श्याम अभी बेटी को बोलने के लिए गया था, अभी तक आया क्यों नहीं? वहीं से दुकान तो नहीं चला गया? तो मुझे बोलना तो चाहिए रात के खाने का क्या हुआ। बापूजी, अरे बापूजी, बापूजी बाद में, पहले ये बता कहाँ है तू? मैं यहाँ हूँ। क्यों नहीं आया तुम? फोन पे कौन है? हेलो, हेलो। फोन तो लगा ही नहीं। किसे फोन लगा रहे थे? किसे क्या, तुझे लगा रहा था फोन। क्यों? अरे क्यों क्या छटिया, तू माधुरी बेटी को बोलने गया था ना, तो क्या हुआ खाने का? वो बापू जी, माधुरी भाभी के घर पे मैं गया था, लेकिन मैंने उनको फिर वो रात के खाने का बोला ही नहीं। क्यों? वो हुआ यूं कि मैं तो कुल मिला के अभी बबीता जी हमारी मदद करने के लिए तैयार है बापू जी। वाह सरस, चलो सर। लेकिन कौन होंगे ये बेटिया, ये पति पत्नी कौन है जिन्होंने फोन किया था? बापू जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं कोशिश करता हूँ पता लगाने की। ये टेंशन क्या, टेंशन कुछ नहीं है ये क्या, लेकिन अभी क्या है ना, ये इस उम्र में ये सब रहस्य भहस्य अच्छा नहीं लगता। तू जा, जा दुकान जा। ठीक, जय जिंदगी। हाँ जय। मेरे परम मित्र के चक्कर में किसी दिन नौकरी से जाऊंगा मैं, कब आएगा जेठालाल? आ गया, आ गया मेहता साहब, आ गया, आ गया। चलो यार लेट हो रहा है जेठालाल। दो मिनट में आ गया मेहता साहब, खड़ा करके चले गए मुझे। कौन है अभी? हाँ बोल बागा। सेठ जी अब दुकान कब आ रहे हैं? क्यों? वो दुकान में एक पति पत्नी आए हैं आपसे मिलने के लिए। एक पति पत्नी मुझसे मिलने आए दुकान में? ये वो अनजान कपल तो नहीं है दुकान में आया हो तुम्हें सरप्राइज देने के लिए? अच्छा बाकी काम कर, उनको अच्छे से बिठा और उनको चाय पानी नाश्ता सब खिला, अच्छे से खातिरदारी कर। जब तक मैं आऊँ नहीं तब तक उनको बिठा के रखना, जाने मत देना, ठीक है? जी सेठ जी। पता चल जाएगा अभी कौन है अनजान कपल। नटू काका, नटू काका बोल। मैंने पति पत्नी को गोडाउन में बिठा दिया है, उनके लिए फालूदा, भजिया, पात्रा, ढोकड़ा सब मंगवा दिया है और मगन को खास उनका ध्यान रखने के लिए वहां बिठा दिया है। वेरी गुड नटू काका, ये लोग बहुत खास लोग लगते हैं, नहीं? क्यों खास? अरे तभी तो सेठ जी ने उनका ख्याल रखने के लिए सिफारिश की। यू आर राइट। क्या लगता है आपको नटू काका, कौन होंगे ये लोग? आई हैव नो आइडिया बागा। बहुत काम के लोग लगते हैं। अरे छोड़ बागा, जो भी हो तू काम पे ध्यान दे। वहाँ देख टीवी के आजू बाजू की सब चीजों पे कितनी धूल है, ग्राहक आके देखेंगे तो क्या बोलेंगे? सॉरी सॉरी नटू काका, सफाई इज वेरी इम्पोर्टेंट, मैं स्वच्छता का आग्रही हूँ। वो तो मैं भी हूँ नटू काका। तो फिर वहाँ इतनी धूल क्यों है? वो पति पत्नी की वजह से। What? अरे मैं उनको सेटल करने गया इसलिए साफ सफाई रह गई। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी साफ कर देता हूँ। देख बागा, हर चीज को एकदम साफ सुथरी कर दे ताकि ग्राहक को देखते ही पसंद आ जाए। आप बिल्कुल फिकर मत कीजिए नटू काका, ऐसे मस्त चकाचक साफ करूंगा कि कस्टमर की आंखें चौंधिया जाएंगी। शाबाश, स्वच्छ दुकान समृद्ध दुकान, बराबर नटू काका। बागा, अरे सेठ जी आ गए। हाँ आ गया बागा, पति पत्नी कहाँ चले गए? अरे नटू काका के सामने देख के मुस्कुरा क्या रहा है, या क्या मस्करी चल रही है? मैंने बोला था ना तुझे उनको जाने मत देना, आधी बात तो सुनता ही नहीं है, खाली हाँ 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 करता रहता है। अरे लेकिन सेठ जी। अरे क्या सेठ जी, मैंने बोला था ना तुझे क्लियर कट कि जब तक मैं आऊ नहीं तब तक उनको बिठा के रखना, जाने मत देना। अरे मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी था। स्टॉप इट, स्टॉप इट। स्टॉप सेठ जी, बागा बेचारा कुछ बोलना चाहता है, उसे बोलने तो दीजिए। आप ही बोले जा रहे हैं। हाँ। हाँ बोल भाई, क्या बोलना है तुझे? सेठ जी वो पति पत्नी गए नहीं है। तो कहाँ है? गोडाउन में। अरे तो ये पहले नहीं बोल सकता था? पर आप इसे बोलने का मौका दो तो बोलेगा ना। हाँ
आपने तो आते ही सीधी मशीन गन चालू कर दी। सॉरी, तो उनके लिए कोई चाय पानी नाश्ता मंगाया ना? नहीं। अरे मैंने बोला था ना तुझे भाई, उनके लिए कोई चाय नाश्ता मंगाना, उनकी खातिरदारी करना। अरे लेकिन सेठ जी, उनको चाय नहीं पीनी है। अरे तो उनको जो पीना था वो मंगा देता। वो तो मना ही कर रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फिर मैंने उनसे कहा, नहीं हमारे सेठ जी ने खास कहा है, आपको कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। फिर भी वो मना कर रहे थे। फिर मैंने अपनी ओर से उनके लिए मस्त फालूदा, भजिया, पात्रा और ढोकड़ा मंगवा दिए। अच्छा किया। थैंक यू। तो वो लोग गोडाउन में है ना? हाँ सेठ जी। चलो हाश, अभी पता चल ही जाएगा ये पति पत्नी है कौन। मैं गोडाउन में हूँ। हाँ जी। अरे भागा जी ने टूटा, जरा गोडाउन से मगन को भेजना। जी। कब तक आएंगे तुम्हारे सेठ जी? आएंगे आएंगे सेठ जी, अभी आएंगे। आ गए सेठ जी। नमस्ते। नमस्ते। ये लोग कौन है? कमाल है, ये मुझे, बापूजी, दया, टप्पू सबको जानते हैं, लेकिन मैं इनको क्यों पहचान नहीं पा रहा हूँ। मगन दुकान में जाओ, नटू का कुछ काम है। और कैसा लगा आपको फालूदा? बहुत बढ़िया। एक एक और मंगवा लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, अरे पीजिए ना, एक से क्या होगा सेठ जी। हाँ पर अभी उनको नहीं पीना है तो जबरदस्त धरार। आप बैठिए ना प्लीज, बैठिए। माफ कीजिए, मैं अब भी आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। आप डूंगर सिपाही के बेटे? नहीं। तो कृष्ण काका? नहीं। धनजी काका? नहीं। श्री कन्हैया लाल। कौन कन्हैया लाल? इनके पिताजी। कन्हैया लाल अटक। सरनेम? सरनेम पूछ रहे हैं। सरनेम शर्मा। शर्मा? कच्ची वागड़ में शर्मा तो नहीं होते कि? ऐसा तो नहीं, लड़की कच्ची और उसने नात बार शादी की है। लेकिन ये भाई साहब सुबह फोन में तो कच्ची में बात कर रहे थे, हो सकता है शादी के बाद सीख गया हो। बहन आप कच्ची है? नहीं। तो सुबह मेरा घर पे फोन आपने नहीं किया था? नहीं। हम तो बिना फोन किए आए, अक्सर हम लोग बिना फोन किए ही जाते हैं। क्या है, फोन करते हैं ना तो लोग फोन पे ही मिलने से मना कर देते हैं। आप कौन है, मतलब कहाँ से आए हैं? दरअसल हम लोग एक एनजीओ चलाते हैं, सामाजिक संस्था जो जरूरतमंदों को मदद करने का काम करती है। हमारी संस्था गरीबों के लिए, दिव्यांगों के लिए और बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम करती है। और हमारी संस्था रजिस्टर्ड है। हमारी संस्था गरीबों को ज्यादा मदद कर सके इसलिए हम आपसे चंदा लेने आए हैं। डोनेशन? चंदा मतलब डोनेशन। आपसे जो मदद हो सके प्लीज आप कीजिए, गरीबों का भला होगा। और आप कितने अच्छे इंसान हैं, आपने हमें फालूदा खिलाया, नाश्ता कराया। बताइए आप कितना चंदा देंगे? थैंक यू सो मच। अच्छा तो हम चलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। भागा! क्या हुआ सेठ जी? भागा, सेठ जी तुझ पर इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? क्या किया तूने? नहीं नटू काका, मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर सेठ जी तुझ पर इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? पता नहीं सेठ जी, आप मुझ पे इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? अरे गुस्सा नहीं करो तो क्या तेरी आरती उतारू? भागा, सच सच बता क्या किया तूने? अरे मैंने कुछ नहीं किया है नटू काका, मैं तो यहाँ कब से चुपचाप शांति से खड़ा हूँ। सेठ जी क्या बिना वजह तुझ पर गुस्सा हो रहे हैं? हाँ। क्या? हाँ वजह है। क्या वजह है? तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि पति पति यहाँ चंदा मांगने आए हैं? अरे सेठ जी, मुझे खुद को पता नहीं था कि वो लोग चंदा मांगने आए हैं। अरे तो पूछना चाहिए ना भाई। पूछा
मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या काम है, तो उन्होंने कहा आपसे नहीं आपके सेठ जी से पर्सनली बात करनी है, इसीलिए मैंने आपको फोन किया। आपने कहा बाघा उनकी अच्छे से खातिरदारी करना, इसीलिए मैंने उनके लिए नाश्ता मंगवाया, फालूदा मंगवाया। आपने जो जो कहा मैंने वो सब किया, फिर भी आप मुझे डांट रहे हो। अरे डांटो नहीं तो क्या करूं, सुबह सुबह बिना वजह 2000 का चंदा देना पड़ा। सेठ जी चंदा देना तो अच्छी बात है ना? अच्छी बात है, लेकिन जब हमें पता हो कि हम चंदा किसे दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, ये तो जान ना पहचान, अभी मना करना भी अच्छा नहीं लगता ना। देना पड़ा चंदा। यस यस यू आर राइट, आप अपना मूड खराब मत कीजिए। बागा सेठ जी का मूड ठीक करने के लिए तीन रजवाड़ी चाय बोल दे। नहीं नहीं भाई, मुझे कोई चाय नहीं पीनी है। तो बागा सेठ जी के लिए फालूदा और अपने लिए चाय बोल दे। जी नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पीना है। क्या हुआ सेठ जी, आर यू अंडर एनी प्रेशर? आई मीन आप किसी मानसिक तनाव में है? मानसिक तनाव तो नहीं, लेकिन मानसिक दुविधा है। क्या दुविधा है बताइए तो सही, हो सकता है हम आपकी दुविधा को सुविधा में बदल दे। बताइए सेठ जी क्या दुविधा है? हाँ। दुविधा तो अभी आज सुबह घर पे एक पति पत्नी ने फोन किया और कहा कि हम आज शाम को आपके घर पे खाना खाने आ रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। नहीं अच्छी बात ही है, लेकिन अभी दुविधा ये है कि वो मुझे बापूजी दया टप्पू सबको जानते, लेकिन मैं उनको पहचान ही नहीं पाया। कितना पूछा उनको फोन में, भाई आप कौन बोल रहे हैं बताओ, बोले नहीं हम शाम को आपके घर पे खाना खाने आएंगे तभी आप हमको पहचान लेंगे। अरे तो उसमें टेंशन की कौन सी बात है सेठ जी, वो लोग शाम को घर पे आएंगे तब आप उन्हें पहचान लेना। अरे वो आए उसके पहले मुझे जानना है वो कौन है। अच्छा एक आइडिया है सेठ जी, आपको जिस नंबर से फोन आया था उस नंबर पे आप फोन करके पता कर लीजिए। शाबाश बागा भाई शाबाश। थैंक यू नट काका। अरे वो नंबर पे मैंने फोन किया था भाई, वो नंबर तो किसी दुकान का था जहाँ पे वो लोग शॉपिंग करने गए थे, वहां से फोन किया था। और एक आइडिया है सेठ जी। क्या? बीडी। बीडी? बीडी नहीं, पीडी पीडी। पी फॉर पप्पा, डी फॉर डैडी, पीडी अर्थात प्राइवेट डिटेक्टिव। हम लोग प्राइवेट डिटेक्टिव के पास जाते हैं, वो तुरंत पता कर लेगा कि वो फोन करने वाले लोग कौन थे। अरे ये कोई आपराधिक मामला थोड़ी है जो इसमें डिटेक्टिव को रोके भाई, और इतना टाइम भी नहीं है अभी। सेठ जी, सेठ जी। क्या हुआ? दुकान में कोई पति पत्नी आए आपसे मिलने। पति पत्नी? ये तो वही होंगे जिन्होंने सुबह मुझे घर पे फोन किया था। अपना मगर तू गोडाउन संभाल, हम लोग दुकान में जाते हैं। कब कब? आइए आइए आइए, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। सुबह से आप दोनों की वजह से मैं परेशान हो गया हूँ। परेशान? पर क्यों? आपका फोन की वजह से। वो फोन की वजह से आप परेशान हो गए? हाँ, अभी आप ही बताइए, मेरी जगह आप होते तो आप भी क्या परेशान नहीं होते? देखिए अगर आपको परेशानी थी तो सुबह फोन पे ही बोल देते, हम यहाँ आते ही नहीं। I'm sorry, हमारी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई, चलो चलते हैं। अरे नहीं नहीं प्लीज प्लीज, आपको जाने की जरूरत नहीं है प्लीज। मैं तो ये कह रहा था कि मैं आप लोगों को पहचान नहीं पाया उसकी वजह से मैं परेशान हूँ। सॉरी मैं सुबह फोन पे भी आप दोनों को पहचान नहीं पाया, और माफ करना अभी भी मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। लेकिन बहुत अच्छा किया आप यहाँ आ गए, और देखिए अभी हम आमने सामने हो गए, रूबरू हो गए, तो अभी तो बता दीजिए आप है कौन। सुबह भी आपने फोन पे नहीं बताया आप कौन बोल रहे हैं, मैंने कितना पूछा आपको प्लीज बताइए आप कौन है कौन है, लेकिन आपने नहीं बताया तो नहीं ही बताया। सिर्फ इतना बोला शाम को आपके घर पे खाना खाने आएंगे तभी पहचान लेना, तब से मैं परेशान हूँ कि आप लोग है कौन। नाम भी नहीं बताया। खाना? आप क्या बोल रहे हैं हम समझ नहीं पा रहे। अच्छा
ठीक है, मैं पूरी बात विगतवार समझाता हूँ। सुबह घर पे फोन किया था। हेलो। हाँ हाँ हेलो। क्या जेठा भाई, हमारी इतने सालों पुरानी जान पहचान है फिर भी आपने खैर छोड़ो। दया भाभी टप्पू और बापूजी कैसे हैं? मुझे बहुत दुख हुआ। क्या अच्छी बात नहीं है, तुम हम दोनों में से किसी को नहीं पहचान पा रहे हो। वो क्या लंबे टाइम के बाद आप फोन कर रहे हैं ना, इसलिए थोड़ी तकलीफ हो रही है पहचानने में। अभी आप ही बता दीजिए ना, आप कौन बोल रहे हैं? ना, अभी नहीं बताऊंगा। तो कभी आज शाम को तुम खुद ही मुझे देख लेना। कहाँ? तुम्हारे घर पे। आज रात को हम दोनों तुम्हारे घर पे खाना खाने आ रहे हैं। वो फोन आपने किया था ना? नहीं नहीं। क्या नहीं, आपने अभी बोला ना आपने फोन किया था। नहीं। अरे आपने नहीं बोला कि आपको अगर हमारे फोन से इतनी परेशानी हुई तो आप फोन पे ही बता देते, हम आते ही नहीं। इससे सब जाहिर होता है कि आपने मुझे फोन किया था। हाँ, फोन किया था पर हमने नहीं किया था। तो किसने किया था? मेरे पापा ने। अच्छा, मतलब आपके पापा ने मेरे साथ ये मजाक किया है? अरे नहीं नहीं, मेरे पापा किसी के साथ कोई मजाक नहीं करते। हाँ, वो बहुत सीरियस है, किसी के साथ मजाक नहीं करते वो। एक कौन है, कौन आपके पापा? काड़ू भाई। काड़ू काका? हाँ, सुबह उन्होंने फोन किया था ना, मेरी बेटी और जमाई आ रहे हैं फ्रिज लेने के लिए। हाँ 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 हाँ, अरे हाँ, काड़ू काका ने फोन किया था मुझे कि आप दोनों फ्रिज लेने के लिए आने वाले। ओहो, मतलब तुम काड़ू काका की बेटी हो? हाँ। और तुम उनके जमाई राज? हाँ। आपने क्या समझा? सॉरी 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 बेटा, सॉरी, एकदम सॉरी है। मैं आप दोनों को कुछ और ही समझ बैठा। मैंने वो बोला ना कि सुबह मेरे घर पे एक पति पत्नी ने फोन किया था, तो मुझे लगा वो पति पत्नी आप है। सॉरी है, सॉरी जमाई राज, सॉरी है, सॉरी बेटी, सॉरी है। चलो चलो, आपको जो देखना है देख लीजिए, जो खरीदना है खरीद लीजिए, घर की बात है। कारू काका का जमाई राज हमारे जमाई राज है। नटू काका, इनको जो चाहिए दे दो, मैं हिसाब काड़ू काका के साथ बाद में समझ लूंगा, ठीक है जी। और बाका? समझ गया सेठ जी, इनके लिए मस्त गर्मा गर्म चाय। चाय? चाय नहीं भाई, फालूदा लेके आ, और साथ में गर्मा गर्म समोसे लेके आ जी। अरे नहीं नहीं अंकल जी, रहने दीजिए। अरे नहीं नहीं, क्या नहीं नहीं नहीं, चले गए नहीं। पहली बार काड़ू काका की बेटी और उनके जमाई राज मेरी दुकान में आए, तो कुछ तो लेना पड़ेगा। हाँ, तो हम फ्रिज ले रहे हैं ना। नहीं नहीं, वो तो बराबर है, लेकिन कुछ खाने का लेना पड़ेगा। ए बागा, खड़ा क्या, जाजा लेके आ, लेके आ। हाँ। और नटू काका, आप इनको फ्रिज दिखाइए। हाँ, आइए आइए। हे भगवान, ये भी वो पति पत्नी नहीं निकले। कौन है ये पति पत्नी, परेशान कर दिया है मुझे। नटू काका, मैं फिर से जरा गोडाउन में हूँ। कौन है ये अनजान मेहमान, इतनी भी क्या खुफिया गिरी, सुबह से परेशान कर दिया है। एक नाम बता दिया होता तो अभी मैं काम में ध्यान दे सकता था ना। ये किसी ने मेरे साथ मस्ती तो नहीं की? सुंदर सुंदर हो सकता है, ऐसी मस्ती वही कर सकता है। बोलो, अभी फोन नहीं उठाएगा। लो, ये दूसरा नंबर स्विच ऑफ आ रहा है, अभी तीसरा नंबर लग जाए तो अच्छा है। पर काम कुछ करता है नहीं और कितने सारे फोन लेके बैठा है ये। गई भैंस पानी में, इतने उत्साह के साथ जेठालाल आया अनजान मेहमान हेतु, लेकिन ये तो चंदा मांगने वाले निकले। भाई, अब तक जेठालाल की सारी अटकलें गलत साबित हुई, लेकिन अंततः जेठालाल को शक हो गया है सुंदरलाल पर। आपको क्या लगता है, सुंदरलाल ने मजाक किया होगा? भाई आप कंफ्यूजन में, जानता हूं उतने ही कंफ्यूजन में मैं भी हूं। जिस तरह से भैंस को पढ़ाना नामुमकिन है, ठीक उसी तरह से इस पहेली को हल करना नामुमकिन है कि आखिर ये किया किसने। खैर, आप ये पहेली हल करने की चिंता छोड़िए, आप तो टेंशन मुक्त हो जाइए, टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि यहाँ जो कुछ भी होने वाला है वो तो आपकी हंसी के लिए ही है। भले ही मेहमान अनजान हो, लेकिन हंसी बड़ी जानी पहचानी है। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.